वैसे तो मसला कोई अभी बना नहीं है, पर फिर भी चलो देखते हैं आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है और साथ में नीचे देखो यार गाड़ियां धो रहे हैं, और ऑफ रोडिंग में तो बहुत ही ज्यादा सही मजा है यार। इधर अगर ऑफ रोडिंग कर रही हो ना, ये नजारा देखो खाई वाला। और वेलकम बैक टू माई चैनल आर डी व्लॉग्स। तो गाइज मुझे नहीं पता कितने दिन का व्लॉग मैं कट्ठे डालूंगा, बट ये है कि यार आज मेरा व्लॉग जो है एडिट नहीं हुआ, बिकॉज यार कल ना बहुत लेट हो गए थे और सुबह हमने जल्दी निकलना था, तो एक वो भी रीजन था। बाकी तो मैं एडिट कर देता, बट ये था कि यार मेरा जो गोप्रो था वो मेरी गाड़ी में पड़ा था और दोस्त के घर पे कुत्ता है रॉटवेलर, उन्होंने वो खोल दिया हुआ था, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थोड़ी, इसलिए मैंने एडिट नहीं किया। शायद आज के दिन क्या पता वीडियो ना आए, तो प्लीज यार समझ जाना यार प्लीज। 6:30 बजने वाले हैं तो अभी हम निकले हैं, तो देख सकते हो मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हो चुका है यहाँ पे त्राल वाली साइड में। वैसे तो मसला कोई अभी बना नहीं है, पर फिर भी चलो देखते हैं आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर देख लेंगे जो जैसा होगा। तो चलो फिर चलते हैं लेके प्रभु का नाम। होपफुली यार आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत ज्यादा लाइक की, जैसे मैं पहले ले वाले ट्रिप वाले व्लॉग करता था वैसे मैं ट्रिप के व्लॉग करने वाला हूँ, और वो भी अपनी ब्लू बीस्ट पे, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी वो अपना हैंड वॉश पड़ा हुआ है ये मैं सोच रहा हूँ, और यहाँ पे ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पापा ने सरोपा दिया जो गुरुद्वारे हमारे वहाँ पे पत्थर साहब गुरुद्वारे पे, वहाँ पे चढ़ाना है प्रसाद दिया है तो वहाँ पे चढ़ाना है, तो वो चढ़ाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे रुमाल शुमाल पड़ा हुआ, गंद गुंद पड़ा हुआ है, बाकी एडवोकेट सर और जिशान सर वेट, ईशान सर वेट कर रहे होंगे। तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस क्या सीन था, J&K बैंक में एक्चुअली ATM में से पैसा नहीं निकल रहा था, हमने फिर स्टेट बैंक में आए तो मुझे लगा यहाँ पे भी नहीं निकलेगा, बट यहाँ पे निकल चुका है। ये देखो भाई अमीर बंदे यहाँ पे, किधर अमीर बैंक है, 4,000 रुपए निकाला सिर्फ बैंक ले जा रहे। हमारे दोनों के बैंक है JK बैंक। तो गाइस हम इस ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, और ये ब्रिज जो है बहुत ही ज्यादा प्यारा है यार, बहुत ज्यादा प्यारा है, देख सकते हो पानी। तो आगे चलते हैं, मजा आने वाला, क्योंकि इस रोड पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और बहुत ही प्यारी जो है रोड है ये। तो गाइज आप देख सकते हो यार पहाड़ कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर से पहाड़ है, और इस साइड से ना पानी चल रहा है जो कि बहुत ठंडा। एक्चुअली मैं 2014 में आया था, तो मेरे साथ मेरे कजन वगैरह आए थे, वो उन्होंने वो नहाए थे, तो मैंने जैसे हाथ पानी में ऐसे पैर डाला तो मैं उधर ही जम गया था, मैं नहीं नहाया था। वो देख सकते हो वहाँ पे ग्लेशियर का पानी है सा, ये किधर गया पानी, किधर गया साला, ये नहीं है वो उस तरफ है। तो गाइस वो सामने है पानी, तो यही पानी उधर जाता है, तो बहुत प्यारा लगता है। अभी वैसे मैं वीडियो नहीं सकता है, नहीं जाम लग गया थोड़ा। तो गाइस एट लास्ट मैंने दिखा दिया, वैसे प्यारा है, बट वो जो पिछला साइड का जो व्यू है वो व्यू का मुकाबला ये व्यू नहीं कर सकता। रोड भी साफ था, डस्ट डुस्ट कम था, और साथ में पानी ना बिल्कुल ठहर के चल रहा था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो यहाँ पे पत्थर पुत्थर है तो ज्यादा इतना दिख नहीं रहा, बाकी अभी थोड़ा थोड़ा जाम खुला है, देख सकते हो आप ग्लेशियर आ चुका है, दैट मीन्स की हम सोनामर्ग पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ हमने, बट यही है की पहले सोनामर्ग जुजिला क्रॉस कर लेते हैं, जुजिला क्रॉस करके फिर आगे खाएंगे हम, वहाँ पे ऑमलेट वगैरह कुछ खा लेंगे। बाकी ग्लेशियर है काफी गंदा हो चुका है, पोल्यूशन ही बहुत ज्यादा है, अब क्या करें। तो गाइस ये आप नजारा देखो, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, और साथ में नीचे देखो यार गाड़ियां धो रहे हैं, और ऑफ रोडिंग में तो बहुत ही ज्यादा सही मजा है यार। इधर अगर ऑफ रोडिंग कर रही हो ना बहुत मजा है, और मन कर रहा है मेरा नीचे जाने का, पर नहीं यार नहीं जा सकते क्योंकि सोनामर्ग, शायद ये सोनामर्ग ही है तो एक क्रॉस करना हमने, वो सामने शहर है यार, कितना सही लग रहा है यार, ब्यूटीफुल। तो गाइज जैसा कि आप ये देख सकते हो, इधर से आगे रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, और ये यहाँ से घूम के हमें यहाँ पे निकाला है, गूगल मैप में का रास्ता बंद है, दैट मीन्स कि ये रास्ता जो है नया बना है अभी भी रिसेंटली, तो वही चक्कर होगा। इधर जाम लग चुका है, और बहुत बढ़िया जगह पे हम रुके हैं, वो देखो पर ग्लेशियर, और ये नीचे देखो वाह बहुत सही लग रहा है, यहाँ पे जाके ना कैंपिंग कर दूंगा इस जगह पे, बोलने वाले वहाँ से गाड़ियों से भी क्रॉस हो जाती है। हम अभी पहुंच चुके हैं जुजिला, तो जुजिला में अभी आगे गाड़ी का जो है टायर फटा, तो गाइज हम जुजिला पहुंच चुके हैं। एक्चुअली यार हम ओवरटेक कर रहे थे तो आर्मी वालों ने हमें साइड पे रोक दिया था, तो उस चक्कर में अक्षय भाई जो है वो आगे निकल के, वैसे ओवरटेक अक्षय भाई भी कर रहे थे बट उस टाइम पे अंदर बढ़ गए थे जब हमें पकड़ा। ये नजारा देखो खाई वाला, और हम बिल्कुल कोने में, और ये रेत टूटने वाली है, हम चली जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है यार यहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो गाड़ी का देख लो फर्स्ट गियर, गाड़ी का जो है फर्स्ट गियर लग रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, सामने चढ़ाई है तो वो उससे क्या होता है गाड़ी उड़ जाती है, तो साथ में मिट्टी भी थी पीछे बहुत ज़्यादा,
फिल्टर भी चोक हो जाता है यार। ये देखो साइकिल वाले भाई साहब, तो वाह भाई ये होता है क्रेजीनेस, साइकिल पे जा रहा भाई ले लद्दाख। तो गाइज अभी अभी तक जो है हम रुजिला में ही है, मतलब बहुत लेट हो गया, बहुत टाइम हो चुका है। बट एक्चुअली क्या है यार, जैसा कि आप देख सकते हो रोड इधर की बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत गंदी भी है भाई साहब। और अपने जो है बहुत मेहनत कर काम शाम कर रहे हैं, अपने रिस्क अपनी लाइफ रिस्क में रख के मीना मार्ग पहुंच चुके हैं कि यार ये लोकेशन का ना कोई जवाब नहीं है यार, ये ना ग्लेशियर है। बट ये है कि यार आज से तीन चार पांच साल पहले ना क्या होता था यहाँ पे, पूरा ये ना पूरा पहाड़ ढका होता था। बट आप देख सकते हो बहुत कम रह गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो हम पहुंच चुके हैं जीरो पॉइंट, सोनामर्ग से थोड़ा आगे, मीनामर्ग और सोनामर्ग के बीच में। यहाँ पे आप स्नो बोटिंग वगैरह कर सकते हो, फ्रेश वगैरह हो सकते हो, साथ में मैगी शैगी ना, मौसम का नजारे ले सकते हो। बाकी अपनी चमक चलो ये खड़ी है, तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी क्योंकि हमने आगे नहीं पहुंचना है। मैगी शैगी आगे खाते हैं कहीं पे लास्ट दुरूस वाली से। बढ़िया यार लोकेशन बहुत ज्यादा प्यारा है। तो गाइस पीछे रोका हुआ था हमें, तो उधर ना क्या हो रही थी हमारी ना, गाड़ी का नंबर नोट करते हैं और बंदे नोट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यार पहाड़ी इलाकों में आपको पता ही है एक अनहोनी हादसा जो है वो हमारे साथ साथ में ही होती है, लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो बस वही सीन था, तो उन्होंने रोका हमें, गाड़ी नंबर नंबर लिखा उन्होंने, तो फिर बस जाने दिया। बाकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग है 6 बजे से 10 बजे तक। जम्मू वाली साइड से आप आ सकते हो और जो यहाँ से जाते हो आप वो 4 से 10 तक है शायद, हाँ तो वो थोड़ा देख के आना। बाकी बढ़िया सर, तो ये आप लोकेशन चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यार, मटियाँ करके जगह है ये, और बहुत ही प्यारी जो है लोकेशन है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक ऐसा लगता है फ़ौरन पहुँच गए आप। मैं आपको एक बार बाहर से दिखा देता हूँ थोड़ा सिनेमैटिक। गाइज यार हम पहुंच गए हैं द्रास। द्रास यार सच बताओ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा एक छोटा सा शहर है और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा शहर है, आप देख ही सकते हो। लाइक यार इधर वैसे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होंगी बट फिर भी यार ये लोग रहते हैं। ये पानी देखो यार बहुत ज्यादा प्यारा है यार, और साथ में यहाँ पे ना जो फील आ रहा है, जो वाइब आ रही है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाइक टाइप उस टाइप की आ रही है, और मजा भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइज अगर आपने मेरी पुरानी पुरानी वीडियो देखी होगी तो जो ये वाला पानी है ना, ये जो पानी आ रहा है ये आ रहा पाकिस्तान से और ये वाला आ रहा है इंडिया से, और दोनों आगे यहाँ पे मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है यार। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब लास्ट टाइम मैं आया था ना तो जो ये वाला पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा गंदा था और वो वाला बहुत साफ था, बट अब ये भी साफ हो गया और वो भी साफ हो गया, दोनों मिल रहा है। और ये थोड़ा थोड़ा वाइट है बट चलता है बढ़िया, बहुत सेक्सी लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। ये पेड़ अगर पेड़ नहीं होता तो और ज्यादा बढ़िया लगता। थोड़ा आगे मैं जा नहीं सकता जस्ट बिकॉज यार यहाँ पे ना थोड़े कैंप्स हैं तो इसलिए प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो यहाँ से चलते हैं।